फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 उसका एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट किया था। वो एग्जांपल हमने काफ़ी डिटेल में सीखा था। आज हम थोड़ा स्पीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। चलो, आप सब बुक निकाल के एग्जांपल नंबर 2 रीड करिए। तो क्या कहते हैं वो एग्जांपल में? ये एग्जांपल भी सेम पहले जैसा ही एग्जांपल है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िए। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स आरओ प्लांट्स फॉर द फैक्टरीज। एक कंपनी है, वो फैक्ट्री के लिए आरओ प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर इट्स सेल एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ आर ओ प्लांट इज गिवन बिलो। यहाँ पर जो कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, उसका जो कॉस्टिंग होता है वो, और ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना अर्न करती है कंपनी, उसके बारे में हमको बताया गया है। आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10,000 रुपीज़ है, प्रॉफिट इन लैक्स। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सम। लास्ट के एक दो सेंटेंस में क्या क्वेश्चन है वो होता है, वो हमें ध्यान से पढ़ना है। अब हमको बताया गया है ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम, मीन्स अब हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है। और दूसरा, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड स्टेट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न फॉर द सेल ऑफ आरओ प्लांट। हमको पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर डायग्राम मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट। अब हम ये एग्जांपल में भी हमको इनडायरेक्टली हमको इंटरप्रिटेशन ही पूछा गया है। आपको इससे मालूम पड़ जाना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन में भी हम क्या लिखते हैं, दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है वही हम लिखते हैं, राइट? यहाँ पर हमको डायरेक्टली पूछा गया है कि ये जो दो वेरिएबल्स है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो आप हमको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, राइट? अब हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, हमको जो टेबल दिया है एग्जाम्पल में वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10,000, राइट, ये भी रुपीज़ में है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 10,000 रुपीस, प्रॉफिट इन लाख रुपीस। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स ये जो कोई हमको ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, यहाँ पर हमको जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो बहुत स्मॉल ऑब्जर्वेशन है, राइट? यहाँ पर हम देखते हैं 8, 7, 9, 10, 13, 12, 13। यहाँ पर अब हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, कौन सा है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन? 7। 7 इज द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 7। 7 इज द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन? 13 इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी 13 है, राइट? प्रॉफिट इज वेरिएबल वाई एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज वेरिएबल एक्स, राइट? यहाँ पर हम एक्स एक्सिस लेंगे और यहाँ पर हम वाई एक्सिस लेंगे। मैंने बोला था लास्ट टाइम 2 सेंटीमीटर आपको साइड में छोड़ना है और नीचे भी कम से कम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आपको छोड़ना है, राइट? और उसके बाद का जो आपके पास आया है उसको ही ग्राफ का एरिया कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा, राइट? तो अपन देखते हैं, ये जो दोनों लाइन छोड़ दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखो ग्राफ अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोएस्ट वेरिएबल इज 7, तो यहाँ से अपन 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट? अब देखिए स्केल क्या होगा। हमने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, पहले स्केल लिखना है और उसके बाद हमको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस। मैं पहले स्केल लिख देता हूँ क्योंकि ये हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं। स्केल,
स्केल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सा वेरिएबल है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, इन 10,000 यहां पर लिख देना है 10,000 एंड ऑन वाई एक्सिस प्रॉफिट इन, ये भी रुपीस में है, लाख रुपीस, राइट। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने सिखाई थी आपको लाइन, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट रखा है, ऐसे ही पॉइंट मैं इधर रखूँगा, फिर से चेक करूँगा ये लाइन सही आती है कि नहीं आती है, फिर एक साथ लाइन ड्रॉ कर। अब फिर से सेम ऐसे ही लाइन में आगे खींचने के लिए यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ पर पॉइंट रख के ये लाइन ड्रॉ हो गई एकदम स्ट्रेट लाइन, ये एरो ड्रॉ कर दिया। अब हम फॉर वाई एक्सिस सेम वही तरीके से पॉइंट फिर आगे लाइन खींचेंगे, इतनी ज़्यादा भी दूर ड्रॉ करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ग्राफ इतना बड़ा होने वाला नहीं है, राइट। अब हम एक्स एक्सिस पर लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन 1,000 रुपीज़, थोड़ा नीचे लिखना है क्योंकि यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कॉस्ट इन 10,000 एंड ऑन वाई एक्सिस प्रॉफिट, ये भी ये लाइन छोड़ के आगे लिखेंगे प्रॉफिट इन लाख रुपीस, राइट। अब देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ से हम ये जीरो हुआ, यहाँ पर हम फाइव लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम कहाँ तक है, 11 तक है, तो हम एक पॉइंट आगे लिखेंगे 12 तक लिखेंगे, लेकिन ये जीरो है, जीरो से एक सेंटीमीटर में फाइव नहीं आ जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ज़िगज़ैग लाइन करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हम यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम लिख देंगे 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 दीज आर द पॉइंट्स on x-axis, these are the points on x-axis. In the same way, यहाँ पर भी हम 7 से स्टार्ट करेंगे, तो इधर भी हम zigzag लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि 0 से यहाँ पर 1 आता है, लेकिन 1 हम ड्रॉ नहीं करते हैं, तो हम ऐसे zigzag लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 सेवन ये पॉइंट्स अब देखोगे ग्राफ काफ़ी इजी है, एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स एंड वाई, ये जो एडवर्टाइजमेंट फाइव है वो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करते हैं, तो कितनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हुई 50,000,
राइट, दिस ऑल आर इन 10,000, राइट, मीन्स ए 50,000, 60,000, 70,000 एंड सो ऑन. एंड हियर प्रॉफिट इज इन लैक्स, मीन्स दिस इज 8 lakhs, 7 lakhs, 9 lakhs एंड सो ऑन. अब ये जो इंफॉर्मेशन हमको दी है उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, राइट. चलो अपन देखते हैं कैसे पॉइंट आते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 5, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 8. वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 5, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज 8. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 5, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज 8. If the value of variable x is 6, then the corresponding value of variable y is 7. ये 7 है, 7. If the value of variable x is 7, the corresponding value of variable y is 9. Value of x is 7, the corresponding value of variable y is 9. एंड सो ऑन. ये 8 है तो ये 10 है. x इज 8, देन द y इज इक्वल टू 10. एकदम सिंपल डायग्राम है. इफ x इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 13. x इज इक्वल टू 9, देन 13. इन द सेम वे, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 10, द वैल्यू ऑफ y इज 12. 12, ये 12. And the, if the value of variable is 11, then the value of variable y is 13. Here, x is equal to 11, value of y is equal to 13. ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ. हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करिए. ये हमारा पहला क्वेश्चन था. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो अपन देखो देखते हैं. आप नोटबुक में ओपन करके देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. हमने ये इंफॉर्मेशन से स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एंड स्टेट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट. अब हमको दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखाना है, ये वेरिएबल x मीन्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड वेरिएबल y इज प्रॉफिट इन लाख रुपीस, उसके बीच में कौन कैसा रिलेशंस है वो हमको दिखाना है. यहाँ पर दो पॉइंट है. कौन से दो पॉइंट है, द स्कैटर डायग्राम डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, एंड सेकेंड इज द चेंज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर इन सेम डिरेक्शन बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन. सो वी कैन से दैट द वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई इज इन पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. ये सब हम पीछे लिख देते हैं. देखिए मैंने लिखा है पीछे द स्कैटर डायग्राम डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. हम ग्राफ में देख सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, राइट. ये फर्स्ट पॉइंट. देन द सेकेंड पॉइंट इज द चेंजेस इन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर इन सेम डिरेक्शन. मीन्स एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, और दिस the points of variable x and y are from left to right. This indicates that the variable x and y are in same direction, right. फिर से the changes in the advertisement cost and profit are in same direction but do not in same proportion. ये same proportion में नहीं है. So we can say that there is a partial positive correlation. ये ऐसे जो points आते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये partial positive correlation कहेंगे. Thank you friends. अब हम next example next period में देखेंगे. Thank you very much.